जय श्री कृष्ण। कहाँ हैं हमारे दिवंगत प्रियजन? दिवंगत प्रियजनों को विचार संप्रेषित करने की विधि। जो प्रियजन दिवंगत हो गए हैं, उन्हें यदि अपने विचार भेजने हो तो अपने कमरे में शांत बैठकर ईश्वर का ध्यान कीजिए। जब आपको अपने अंतर में ईश्वर की शांति अनुभव हो, तब भ्रूमध्य में स्थित इच्छा शक्ति के केंद्र यानी कूटस्थ पर गहरी एकाग्रता के साथ मन को केंद्रित कीजिए और अपने दिवंगत प्रियजनों को अपना प्रेम प्रेषित कीजिए। कूटस्थ में उस व्यक्ति का मानस दर्शन कीजिए जिससे आप संपर्क करना चाहते हैं। उस आत्मा को अपने प्रेम शक्ति एवं साहस के स्पंदन भेजिए। यदि आप निरंतर यह करते रहें और उस दिवंगत प्रियजन के प्रति आपकी चाहत की प्रबलता में कोई कमी आपने नहीं आने दी, तो उस आत्मा तक आपके स्पंदन निश्चित पहुंच जाएंगे। ऐसे विचार आपके प्रियजनों में अपनी सौम्यता एवं किसी के द्वारा प्रेम किए जाने की भावना उत्पन्न करते हैं। जिस तरह आप उन्हें नहीं भूले हैं, वैसे ही वे भी आपको नहीं भूले हैं। उनकी चेतना अभी भी उन प्रियजनों की धुंधली सी स्मृति शेष बनाए रहती है जिन्हें उन्होंने यहाँ पीछे छोड़ दिया था। जब आपको ऐसी आत्माओं से कोई उत्तर या प्रतिक्रिया अनुभव करना हो, तो अनाहत चक्र पर मन को एकाग्र कीजिए। जब आप पर्याप्त गहराई के साथ मन को एकाग्र करेंगे, तो पहले वे आपके सपनों में आएंगी। उनके लिए यह करना संभव है। कभी कभी यह होता है कि वही सपना आपको बार बार दिखाई दे सकता है। अतः सभी सपने अर्थहीन नहीं होते। यदि आपका मन शांत है और उसका मेल बैठ गया है, तो आपको पता चल जाएगा कि उस स्वप्न के माध्यम से कोई आपसे संपर्क करने का प्रयास कर रहा है। जैसे जैसे आप आध्यात्मिक रूप से उन्नत होते जाएंगे, वैसे वैसे आपके प्रियजन दृष्टांतों में या ध्यान में आपके सामने प्रकट होने लगेंगे। और जब आप उच्च अवस्था में पहुंच जाएंगे, तब उन आत्माओं को अपने समक्ष प्रत्यक्ष देख पाएंगे। सेंट फ्रांसिस प्रतिदिन रात को जीसस क्राइस्ट को प्रत्यक्ष शरीर में देखते थे, परंतु ऐसा अनुभव तभी मिल सकता है जब आप सचमुच उन्नत आत्मा हो गए हों। यदि आप ईश्वर का गहन ध्यान करेंगे, तो वे आपको यह सब दिखा देंगे। अपने प्रियजनों की मृत्यु पर रोने और उन्हें खोने की भावना में दुखी होने की बजाय हमेशा उन्हें अपना प्रेम भेजिए। ऐसा करने से आप उन आत्माओं की उन्नति में सहायता कर सकते हैं और वे आपकी सहायता कर सकती हैं। अपने दुख और तनाव की अविवेकी स्वार्थपूर्ण भावनाओं से उन्हें कभी नीचे ना खींचिए। उन्हें सिर्फ यह कहिए कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। अपने प्रियजनों को प्यार और सद्भाव के विचार जितनी बार भेजना चाहें भेजें, परंतु कम से कम साल में एक बार अवश्य या शायद किसी विशेष वर्षगांठ पर अवश्य भेजें। और मन ही मन उन्हें कहिए कि हम फिर कभी मिलेंगे और एक दूसरे से अपना दिव्य प्रेम एवं मित्रता बढ़ाना जारी रखेंगे। अब यदि आप उन्हें अपने प्रेम पूर्ण विचार निरंतर भेजते रहें, तो कभी आप उन्हें दोबारा अवश्य ही मिलेंगे। आप जान जाएंगे कि यह जीवन अंत नहीं है, परंतु आपके अपने प्रियजनों से संबंध की शाश्वत श्रृंखला की एक कड़ी मात्र है।